हेलो दोस्तों, तो वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप लोग? तो आज हम देखेंगे 3 BHK प्लान, 2 BHK प्लान। और ये जो प्लान है, अभी मैं इसका इंटरनल वॉल ड्रॉ करने जा रहा हूँ। तो ये इंटरनल वॉल अभी एक्सटर्नल वॉल ड्रॉ कर रहा हूँ। तो एक्सटर्नल वॉल जो है वो अक्सर आप देख सकते हैं कि ये 9 इंच की या अक्सर 9 इंच के ही रहती है, हम या उससे ज़्यादा रह सकती है। और इसके कॉलम टू कॉलम कनेक्टेड रहते हैं। ये 9 इंच की वॉल जो है, मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ, तो ये आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये सभी वॉल ब्लैक कलर से दिखा दिया है। तो ये जो हमारा प्लान हो गया है, जो 2 BHK प्लान है, तो इसमें जो 2 BHK प्लान है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, तो ये पूरी तरह से आप एक्सटर्नल वॉल मैंने ये ब्लैक कलर से दिखा दिया है। इसका जो अभी मेन डोर से जब जाएंगे, तो सबसे पहले मेन डोर से आप जाएंगे, तो उससे पहले हम दिखा देंगे कि इंटरनल वॉल जो भी है, जो अक्सर इंटरनल वॉल जो रहती है, तो वो हम ड्रा करते हैं 9 इंच की, या तो कभी कभी ये 4 इंच की भी रहती है, 9 इंच या 4 इंच की रहती है। ये इंटरनल वॉल तो हो गई है। इसके बाद हम देखेंगे कि इंटरनल वॉल से पहले, सबसे पहले जो रूम देखने वाले हैं वो है हॉल। तो सबसे पहले ये हॉल, अभी ये इंटरनल वॉल तो हो गई है, उसके बाद देखेंगे हम वॉल। तो सबसे मेन पर ये सभी गेट दिया गया है, और सबसे पहले ये मेन गेट है। तो मेन गेट के अंदर गने के बाद अपना जो है ये हॉल आता है, जो हॉल और लिविंग भी कह सकते हैं अपन इसको। तो हॉल और लिविंग में अपन ने जो दिया है, वो तो बहुत सारी जगह है जिसमें हम टीवी रख सकते हैं या तो कुछ भी रख सकते हैं। इसका जो साइज़ है, ये 18 फीट बाय 12 फीट का है, मतलब 18 फीट बाय 12 फीट का ये हॉल और लिविंग है। यहाँ पे हम टीवी लगा सकते हैं, सोफा वगैरह सब कुछ, डाइनिंग गिनिंग यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पे दो, मैंने हॉल के लिए दो विंडो दिए गए हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि किचन जो है, इसके बाद डायरेक्ट ओपनिंग किचन की आती है। जो किचन जो है, मैंने यहाँ पे किचन के लिए भी 10 फीट बाय 8 फीट का किचन दिया गया है, जहाँ पे आपका पूरा गैस वोटा वगैरह सब अपना सामान रख सकते हैं, या सिलेंडर, गैस सिलेंडर या कुछ भी अपन बना सकते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे 2 बेडरूम। ये सबसे पहले पहला बेडरूम है। जो फर्स्ट बेडरूम है, वो उसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम आपको मिलेगा, वो फर्स्ट बेडरूम के साथ टॉयलेट बाथरूम अटैच मिलेगा। तो फर्स्ट बेडरूम की जो साइज़ है, 12 फीट बाय 8 फीट की साइज़ है। तो उसके साथ अटैच जो टॉयलेट है, ये यहाँ पे दिया गया है। ये टॉयलेट और बाथरूम दोनों अटैच है। ये टॉयलेट प्लस बाथरूम है। तो टॉयलेट प्लस बाथरूम का इसका साइज़ जो है, वो 6 फीट बाय 4 फीट का है। 6 फीट और 4 फीट का जो बाथरूम है और टॉयलेट है, वहाँ पे आपका बाथरूम टॉयलेट आराम से बन सकता है। इसके लिए मैंने ये यहाँ पे वेंटिलेशन भी दिया है और छोटा सा डोर भी दिया गया है। तो उसके बाद देखेंगे हम सेकंड बेडरूम जो है, वो हॉल के ही पास में है, ताकि आप हॉल से ही आ जा सकते हैं। इसका डोर आपको देख सकते हैं आप, ये हॉल के साइड में है, और इसके विंडो भी दिया गया है। इसके साथ अटैच मैंने इसका जो बेडरूम है, इसका भी साइज 12 फीट बाय 8 फीट का है। इसके साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है, टॉयलेट। इसके बाद टॉयलेट जो अटैच है, इसका साइज जो है 6 फीट बाय 4 फीट का है। उसके साथ बाथरूम भी अटैच है। यहाँ पे मैंने जो टॉयलेट का जो विंडो दिया है, वेंटिलेशन दिया है, ऊपर के साइड में दिया गया है। उसके बाद हम देखेंगे ओपनिंग। इसका जो ओपनिंग है, ओपनिंग मतलब विंडो या डोर। तो विंडो मैंने यहाँ पे ब्लू कलर से रिप्रेजेंट किए है, जो आपके किचन के पास, बेडरूम के पास और हॉल के पास दो विंडो है, किचन में एक विंडो है, और दोनों बेडरूम में एक एक विंडो है, और टॉयलेट बाथरूम के लिए वेंटिलेशन प्रोवाइड कर दिया है। तो उसके बाद हम देखेंगे डोर। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता होगा, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिए। उसके बाद डोर देखेंगे। ये मेन डोर है, जो सबसे बड़ा है, जो डबल
डबल इसमें ओपनिंग में खोलता है। उसके बाद किचन के पास डोर वन दिया है जिसका साइज डोर जो मेन गेट है उससे कम है। उसके बाद बेडरूम में भी डोर वन दिया है, उसके बाद भी इसमें भी डी वन दिया है डोर वन। और जो संडा और बाथरूम के लिए रहता है उसका जो साइज़ रहता है थोड़ा छोटा रहता है, इसके लिए डी टू दिया गया है। तो यहाँ पे जो विंडो है वेंटिलेशन है जिसमें अपना वेंटिलेशन आराम से होता है उसके भी मैंने यहाँ पे दिखा दिया है कहाँ पे विंडो और वेंटिलेशन है और ये कहाँ पे डोर है कहाँ पे क्या है। इस तरह से हमारा ये प्लान जो है हो गया है। और इसका जो डायरेक्शन है ये इस तरह से है कि अपर साइड में जो दिख रहा है आपने को किचन जो है वो साउथ डायरेक्शन में है। देखिए यहाँ पे साउथ डायरेक्शन में किचन है, साउथ डायरेक्शन में किचन है और जो नॉर्थ डायरेक्शन में अपनी ओपनिंग है। मतलब ये जो फेस है ये जो हाउस प्लान है इसका जो हाउस प्लान है वो नॉर्थ फेस है। और आपको आराम से इसका प्लान आराम से समझ में आ गया होगा ऐसा मैं समझ सकता हूँ। तो ये जो पूरा टोटल प्लान है हमारा 30 बाय, यहाँ पे हमने जो मेन डोर है वहाँ पे चढ़ने के लिए क्योंकि अपना प्लिंथ लेवल थोड़ा हाइटेड रहता है तो इसके लिए मैंने 2 या 3 स्टेप दे दिया है। 2 या 3 स्टेप में आप यहाँ पे आ जा सकते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। तो ये जो प्लान है हमारा 30 फीट बाय 20 फीट का प्लान जो टोटल आता है 600 फीट का प्लान, ये जो 600 फीट का प्लान इस तरह से बनाया गया है। यहाँ पे मैंने एक पूजा घर दिया गया है, पूजा घर जो वो बीच में जो जगह थी वहाँ पे मैंने पूजा घर दे दिया है। यहाँ पे आराम से आप कहीं पर भी कोई भी मेहमान आएंगे तो डायरेक्टली उनको पूजा घर देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि लोग कितने अच्छे हैं वो समझेंगे। ऐसा ये 600 स्क्वायर फीट का प्लान। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।